लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी आपका। हाय रब्बा, शुक्र है मिल गया है। पंडित जी ने तो मेरी जान ले ली थी। बार बार पूछ रहे हैं कोई बटुआ लेकर आया है मेरा। अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे प्यादे सा, ये जो आप इतने इत्मीनान से कह रहे हैं बदमाश बादशाह को कैसे मारूं, बेटा आप बदला ले रहे हो या सुबह सुबह स्कूल में अटेंडेंस दे रहे हो? हैं, मैं बदमाश बादशाह को कैसे मारूं? थोड़ा सीरियस, थोड़ा एनर्जी चाहिए उसमें। मैं बदमाश बादशाह को कैसे मारूं? एक और रिस्क करके। हाँ जी, ये आपका बटुआ ले आया है और मैंने दूध के पैसे निकाल लिए। ठीक है, ये देखो फिर गिलास इधर रख दिया तुम लोगों ने, जान में आफत कर दिया। थैंक यू, आप मेरी नीना को घर ले आए, उसी की याद में हम ये प्ले कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी बेटी नीना, पिछले साल सीढ़ियों से गिर के मर गई। She died. I'm sorry. माफ करिएगा, मुझे नूरी के बारे में थोड़ी देर से पता चला। मैं आया था वहां, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए बिना मिले मैं वापस लौट गया। आप नूरी को जानते थे? नूरी मेरे पास चेस सीखने आई थी अपनी माँ के साथ। रोहाना नाम है ना उनका? यहाँ आती थी सीखने? जी, दो बार आई वो, दो लेसन के बाद बोली ये तो बड़ा सिंपल है। मुझे हरा देती थी। उस दिन जाने से पहले बोली मैं मेरे पापा को यहाँ भेजती हूँ, उन्हें आप चेस सिखाइए, बेचारे बड़े वीक है। मैं चलता हूं। फिर आइए कभी हमारे बच्चों के साथ खेलने, आपको लगेगा आप नूरी के साथ खेल रहे हैं जैसे मैं नीना के साथ खेलता हूं। साहब, हम दोनों जहां हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वक्त, ऐसा लग करते ही नहीं। साथ बैठ के शतरंज खेलेंगे, कट जाएगा। चेकमेट। Okay, I'm going in 3 minutes. एक और बार आना है आपको? 3 मिनट में हरा दूँ। 3 मिनट में क्या? मैं तो आपको 2 मिनट में हरा दूँगी। लेकिन लास्ट के 1 मिनट आप पे हंसता भी तो है। चल भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। बस यही तो सब मात खा जाते हैं दानिश साहब। स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं कि जीतना सीख जाए, पर मैं कहता हूँ यार पहले सीखना तो सीख जाए। चलिए इसको वापस लेते हैं, ये चाल गलत है, इसे वापस लीजिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं ले सकते, पहले चाल वापस नहीं ले सकते।
जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब, जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता। कैसा लगा जी? उन लोगों को मार के कैसा लगा? उन लोगों को जिन्होंने आपकी बेटी की जान ली? अच्छा ही लगा, मुझे भी अच्छा लगेगा when I'll kill them first. कौन? यजाद कुरैशी, the welfare minister. अमन और भाईचारे का मसीहा यजाद कुरैशी। पंडित जी मैं समझा नहीं। नीना उसकी बेटी को शतरंज सिखाने जाती थी। एक दिन कुरैशी साहब की सेक्रेटरी का फोन आया, पंडित जी आपकी बेटी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, कुरैशी साहब ने कहा कि नीना का बैलेंस बिगड़ गया था और वो सीढ़ियों से गिर गई। हो सकता है वो सच कह रहा हूं। उस दिन सिर्फ मैंने ऋषि की आंखें देखी थी। वो एक्सीडेंट नहीं था, she was murdered by यजाद कुरैशी। यजाद कुरैशी की कहानी किसी अफसाने से कम नहीं है। ये अफसाना शुरू होता है कश्मीर की बर्फीली वादियों में। 8 साल पहले कारीगरों के गांव पे कुछ आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। उस हमले में मिलिटेंट्स ने पूरे गांव के 55 बंदे मार दिए थे। और जब तक आर्मी वहां पहुंची, सिर्फ यजाद कुरैशी और उसकी बेटी जिंदा मिले। जनता मिसालें देती है इसकी। बंदे का सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसने यही बोला कि हालात बंदूकों से नहीं बदलेंगे, मोहब्बत से बदलेंगे। पहले लोगों के दिल जीते, उसके बाद इलेक्शन। 8 साल के अंदर अंदर वेलफेयर मिनिस्टर बन गया। उसके बेटी के बारे में क्या पता है? उसका नाम रूही, उम्र 13, और नीना दर उसे 2 साल से चेस खेलना सिखा रही थी। आगे? आगे कुछ नहीं, वो सिंपल केस है वीरे। नीना दा पैर फिसलिया, वो सीढ़ी से गिरी, सर फर्श से टकराया, बस उधर ही खत्म हो गई। 4 बंदों ने अपनी आंखों से देखा है उसे गिरते हुए। कुरैशी के 4 बंदे? ओ यार फिर वही, वो बुड्ढा बेकार है तेरे को, ऐसी बातें किए जा रहे तू। रूही ने कुछ देखा? वो अपने कमरे में थी, चेस का डब्बा वब्बा पैक कर रही थी। लेकिन वो घर में थी। आपने बताया मंत्री जी को कि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में बात करनी है उनसे? जी होल्ड कीजिए जी, आपको पहले ही बताया था, आपका मैसेज अंदर भिजवा दिया गया है, आप वेट करिए, आपको बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका वेट कर रहे हैं। जी आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके थैंक यू। हेलो सर, आपको अंदर बुलाया गया है। आइए आइए कमिश्नर साहब, आई सो मैन दानिश अली। मैं अभी अभी कमिश्नर साहब से कह रहा था कि आपको ड्यूटी पे वापस बुला लें। आपको पता है जिस रमीज़ को आपने मारा है, इत्तेफाक की बात है कि उसी रमीज़ ने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया था, मेरे पूरे गांव को ख़त्म किया। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या हुआ, आप कुछ पूछने आए थे ना? भेजिए कोई पूछिए।
जी, मुझे पूछना था कि नीना धर आपकी सीढ़ियों से कैसे गिरी? डीसीपी साहब, जहां तक मुझे याद है ये फाइल तो क्लोज हो रही है ना? यस सर, द फाइल इज बीइंग क्लोज्ड। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। जनाब, किस्मत ने पंडित जी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। जिहादियों ने कश्मीर में उनका घर चला दिया, कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी की मौत हो गई, उनके दोनों पैर चले गए, और पिछले साल उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर के। बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखिए उनका और अपना। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत हो, आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं, मुझे आपकी मदद करने में अच्छा ही लगेगा। ए? आप पहले पश्मीना शॉल के कारीगर हुआ करते थे? जी जनाब। काफी नजाकत का काम। जी जनाब। एक कारीगर के लिए आपकी पकड़ काफी मजबूत है। मैं टेनिस खेलता हूं। आपको कभी पंडित जी और शतरंज से फुर्सत मिले ना तो आइएगा, खेलेंगे।